रशियन लड़कियों की, अगर मैं कहूँ रशियन प्रोस्टिट्यूट की वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिमांड क्यों बढ़ रही है तो गलत नहीं होगा। प्रोस्टिट्यूशन ग्लोबलाइज हो चुका है और इसके ऊपर आज से 2 साल पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि वेश्यावृत्ति का बदलता स्वरूप। थंबनेल ये है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, जिसमें मैंने डिटेल में बताया विद एग्जांपल कि कैसे वेश्यावृत्ति छोटे कोठों से, गलियों के चौबारों से निकलकर प्लेन में उड़ रहा है, ट्रेन में दौड़ रहा है, ग्लोबलाइज हो चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में जब मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली रशियन प्रोस्टिट्यूट के बारे में है कि आखिर रशियन लड़कियों की डिमांड इतनी क्यों बढ़ रही है। चाहे एशिया की बात करो, यूरोप की बात करो, सबको प्रोस्टिट्यूट के नाम पर रशियन गर्ली चाहिए। ऐसा क्यों, क्या खास बात होती है इनमें? शाम में किसी लॉन्च में जाओ, पब में जाओ, तो वहां पे रशियन लड़की थिरक रही है बार डांसर बनके। कॉल गर्ल आपको रशियन मिलेगी। किसी लड़के को गर्लफ्रेंड बनानी है तो रशियन लड़की पटानी है। क्यों हो रहा है ऐसा? अरेबियन लोग फिदा है उनके ऊपर, बीवियां बनकर बैठ गई है वो उनकी रशिया से निकलकर। पता लग रहा है यार लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियों की मालकिन बन गई है। अमेरिकन पागल हुए पड़े उनके पीछे, ब्रिटिशर दीवाने हुए पड़े हैं कि यार रशियन लड़की चाहिए। इंडिया भी अब पीछे नहीं है। आज रशियन लड़की बुलाएंगे यार। आखिर ऐसा क्या है रशियन में जो और किसी में नहीं है? मर गए हैं क्या एशियन? मर गए हैं अमेरिकन? रशियन ही क्यों, इतनी डिमांड क्यों है आखिर? और घुमाऊं थोड़ा या मुद्दे पे आ जाओ, सीधा आ जाओ मुद्दे पे। दुनिया में किसी भी फीमेल की बात की जाए, स्पेशली अगर उसके रंग रूप की बात की जाए, तो कोई फीमेल चाहे जितनी भी गोरी क्यों ना हो, उसका जो वो मेन पार्ट होता है, जो उसका वजाइना, उसका जो ऑर्गन होता है, वो थोड़ा डार्क ही होता है। कंपैरिजन ऑफ उसके अदर बॉडी पार्ट का जो रंग होता है, उससे कुछ परसेंट डार्क ही होता है। कारण इसके पीछे कुछ भी हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल कारण, वेदर, ह्यूमिडिटी, वजाइना में आने वाला पसीना, इससे उसका रंग डार्क हो ही जाता है। वहीं अगर रशिया की बात की जाए, तो सबसे बड़ी जो एडवांटेज वहां पर है कि वहां की जो फीमेल है इतनी गोरी होती है, क्योंकि वहां का जो वेदर है वो बहुत ही कोल्ड, बहुत ही ठंडा होता है। बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको वहां पे, सूरज का तो नामो निशान नहीं। तो वहां की जो लड़कियां होती हैं, उनका जो कलर होता है, अगर आप उनका कंपैरिजन अमेरिकन और ब्रिटिशर से भी करोगे, तो उनसे भी कई गुना व्हाइट होता है, गुलाबी होता है उनका स्किन टोन। सिर्फ ऊपर से ही नहीं, वजाइना भी उनकी पूरी सफेद होती है, गोरी गोरी, और अंदर का जो उसका वजाइना का इनसाइड पार्ट जो होता है ना, वो भी गुलाबी होता है। तो जो बिल्कुल कवल के फूल जैसी उनकी वजाइना होती है, ऊपर से भी और अंदर से भी। हर कोई मजा लेना चाहता है। एक बार कोई आदमी उसके साथ कर ले, भूलता नहीं है उसकी वजाइना को। और जैसे वो किसी को बताता है कि यार रशियन के साथ किया, वजाइना ऐसी और वैसी, और दूसरा भी यार मेरी भी सेटिंग करा, मुझे भी देखना है। क्योंकि हर इंसान को देखना है, हर आदमी को तलब है कि यार वो गोरी गोरी गुलाबी गुलाबी देखनी है। तो सब अपनी तलब पूरी करने के लिए रशियन को बुलाते हैं। अब हो सकता है कुछ लोग मेरी बात सोच के सोच रहे हो कि यार ठीक है, गुलाबी है, गोरी है, रशियन है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिशर्स भी तो कम नहीं है। माना कि इतनी गुलाबी नहीं होगी, लेकिन काली भी तो नहीं होगी, फिर रशियन ही इतनी क्यों? चलो मान लिया अमेरिका ना ब्रिटिशर्स है वो भी कम नहीं है, लेकिन आपकी पहुंच में है भाई, वो इतनी रिच है, स्टेटस भी मेंटेन करती है, अपना स्टेटस से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती जल्दी से। आखिर कितने लोगों की पहुंच में है वो? आप उसको बिस्तर पे लाने का सपना देख सकते हो? कंगले हो जाओगे, सपने देखते रह जाओगे। बात चाहे अमेरिकन मेल की हो, ब्रिटिशर की हो, या फिर एशियन या इंडियन आदमी क्यों ना हो, रशियन फीमेल इज अवेलेबल फॉर देम। चीप है, सस्ती है, अवेलेबल है। वही एक रशियन मेल के लिए जो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स है, बहुत कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि रशिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वहां की जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ज्यादा खराब है, डाउन है। फीमेल वहां मजबूर है देह व्यापार करने के लिए, वो उतर आई है इन चीजों में, इसलिए वो गुलाबी गुलाबी गोरी गोरी अवेलेबल है हर किसी के लिए। दैट इज ओनली रीजन। और हर कोई चाहता है कि मुझे चीप और बेस्ट मिल जाए, इसलिए वर्ल्ड वाइड ये इतनी फेमस हो चुकी है एज अ स्कॉट प्रोस्टिट्यूट कॉल गर्ल की। एक अमेरिकन भी इनका स्वाद लेना चाहता है, एक ब्रिटिशर भी नहीं छोड़ना चाहता, इंडियन भी, मतलब कोई भी, वर्ल्ड वाइड एक रशियन गर्ल मिल जाए, चीप एंड बेस्ट है ना। अब रशिया जो है प्रोस्टिट्यूशन का बड़ा बाजार बन चुका है।
तंगी वहां पर वैसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन है, तो लड़कियां अभी रशिया से निकल निकल कर जा रही हैं कि यार अमेरिका चलते हैं, यूरोप चलते हैं, इंडिया आ जाते हैं, तो ये अपना फिर देह व्यापार में उतर आती है। तो ये जो दुनिया पगलाई हुई ना रशियन लड़की के पीछे, यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं है। वरना लड़कियां तो अवेलेबल है यार, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन बस वो एक बार वो गोरी गोरी गुलाबी गुलाबी उसका मजा लेना है, यही है और कुछ नहीं, यही कहानी है। ये मत पूछने लग जाना मुझसे कि मैम आपको कैसे पता कि उनकी वजाइना ऐसी होती है, आप लस्बियन हो, आपने ट्राई किया, आपने ये किया। अरे भाई अगर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी ना जो और कोई नहीं दे सकता, तो रिया मल्होत्रा को कौन पूछने वाला है? बिना ये परवाह किए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपको बताती हूँ ना मैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। जब तक लोग सोचेंगे मैं तो बोलकर भी निकल जाती हूँ। तो बस इन्फॉर्मेशन से मतलब रखो, वो भी वो इन्फॉर्मेशन जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा, अगर पता भी हो तो बताने का दम नहीं होगा कि कैसे बताए, क्योंकि लोग उसे जज करेंगे जैसे मुझे जज करते हैं। बट आई डोंट केयर, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, क्योंकि मैंने तो वही बोला जो सच है।